हेलो एवरीवन, इसमें मोहम्मद हाशिम अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR फिल्म्स। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 एंड आज डेट है 10 तारीख। सो मैं और मेरी वाइफ श्रिया, सो वी बोथ आर लाइक गोइंग बैंगलोर फॉर अ कोर्ग। यस यस, तुम भी दिख रहे हो। अभी मम्मी और मेरे भाई है, मिलते हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। चलो फिर, अभी हम लोग ने अपना पैकिंग कर लिया अच्छी तरीके से, बस अभी देखते हैं। एक तो ट्रैकिंग बैग लिया है और एक दूसरा एक नॉर्मल बैग। सो अभी तो बाकी सब कुछ रेडी है। सो यहाँ से हमें जाना है 780 किलोमीटर्स, जो कि अराउंड कुछ है 14 आवर्स का जर्नी। सो चलिए यहाँ से पहले घर से निकलते हैं, हाईवे के पास मिल करके आपसे बात करता हूँ। चलो 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 शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अल्लाह हमारा बस सफ़र इजी फरमाना, बस सुकून से आराम से हम जा कर के आए। आमीन आमीन सुमा आमीन। चलिए भाई फिर हम लोग चलते हैं। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलो 7 बजे से और 2 घंटा ऐड कर लो, तो लाइक मोस्टली हम लोग 9 या 10 बजे तक रीच हो जाएंगे एज पर मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से। कोई ज़्यादा स्पीड नहीं जाएंगे, आराम से ही कवर करने का प्लान है। नो इतना फास्ट फास्ट, सो मिनिमम 80 या 100 का क्रूजिंग रखते हुए विल मूव। सो या अभी तक तो यही है। सो बेसिकली लाइक हम लोग कुर्ग का प्लान है, तो यहाँ से मैंने अभी मेरा होटल का डेस्टिनेशन लगा दिया है इसमें मैप में, तो उसको फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं। सो हम मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो जो भी बंदा हैदराबाद से कुर्ग जाना चाहता है, सो लाइक उसको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, प्लेसेस वगैरह होगी मेन तो, एंड देन सेकंड थिंग इट्स लाइक कितना बजट लगता है इफ़ आप इंटरसेप्टर पे लेके जाते हो, और मैं इसका प्रॉपर कैलकुलेशन आप लोगों को बताऊँगा। फ्यूल कितना लगा, स्टे का कितना हुआ, कहाँ स्टे करना चाहिए, कौन सा जगह बहुत अच्छा है स्टे के लिए, सो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। सो उसको नहीं मिस करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो, सो दैट बेल आइकन को भी क्लिक करो। आपको ये इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो कहीं मिलेगा नहीं। मैं ऐसा बोलूंगा ज़रूर। सो मेरी इस मेहनत के लिए आप ज़रूर एक लाइक तो बनता है, सो लाइक ज़रूर करना। इफ़ कुछ भी है कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि इसमें और क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो चलिए अभी सीधा मैं हाईवे में मिलता हूँ। तो अभी थोड़ा सा हाईवे वगैरह कवर करके देन आधे रास्ते से चलते हैं। चलिए फिर सीधा हाईवे पे मिलता हूँ आपको। सो बैंगलोर के लिए सीधा जाना है एंड बाकी नेहरू ऑटो रूम रोड वगैरह सब कुछ उधर पे। सो यप, ये द करेक्ट डायरेक्शन। सो बैंगलोर के लिए ये है एंड दिस इज फॉर द टोल। सो आई थिंक सीधा हाईवे के लिए, हाईवे से होकर के जाने के लिए, एंड ये रास्ता जाता है श्री सैलम विजयवाड़ा एंड वरंगल, एंड दिस रोड इज लाइक कर्नूल एंड बैंगलोर। सो कर्नूल रोड एंड बैंगलोर रोड इज रियली गुड। मैंने अपने दोस्त से पता किया था तो वो बोल रहा था कि बहुत ही मस्त रोड है, मस्टर्न सोच जाना चाहिए बैंगलोर रोड में, बट सी अभी देखते हैं कैसा है। सो या अभी तो सफ़र अभी तक तो ठीक है, अभी तो और अच्छे से जा रहा है। एंड अभी हम लोगों ने कवर कर लिया 70 किलोमीटर अपने घर से, 70 किलोमीटर घर से। सो ये और मूव करना है अभी और 724 किलोमीटर है, जो कि हमें गूगल मैप के हिसाब से 13 आवर्स तक टाइम लगेगा बोल रहा है। सो कोई ना, वो भी हम आराम से धीरे धीरे जाकर कवर कर लेंगे। सो चलो आगे बात करते लेंगे आपसे ऐसे ही यूँ ही। सो ये आया है पहला टोल बोर्ड। सो टोल बोर्ड पहला आया है जो कि बैंगलोर एंड कर्नूल रोड के पास है। उनके लिए अच्छा ही है, कुछ पैसा पे करना जरूरत नहीं।
If आप कार में जा रहे हो then you have to pay, but for the bike person it's like bike people it's free. So कुछ कुछ जगह पे तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हो. So ये रहा बाइक लेन. So ये है फर्स्ट टोल बूथ. वाह, टोल बूथ इज रियली नाइस एंड क्लीन. अच्छा ही है. अभी हम लोगों ने कवर कर चुका है 105 किलोमीटर. सो एक 10 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा लाइक देखो एक जगह लगातार बैठा नहीं रहना चाहिए. फर्स्ट ब्रेक ले लिया भाई. कैसे था रही बताओ. ओ गिर गया जैकेट गिर गया. देखो सो यप, देखो गाड़ी तो अभी हम लोगों ने कवर कर दिया है समथिंग एक 144 किलोमीटर कवर किया अभी. 144 किलोमीटर कवर किया अभी. मोर हमें जाना है एज अ गूगल मैप के हिसाब से 652. हम निकले थे 780 पे. 780 भी निकले थे. एंड देन देखो ये देखो जुगाड़. नॉर्मली हम लोग ने ट्रैकिंग बैग लिया था एंड एक नॉर्मली बैग लेकर के अब बस एक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पे. सो या देखते हैं क्या मिलता है इधर पे खाने के लिए. वो खा करके हम निकलेंगे क्या. या अभी 7 बजे हैं. चलो ब्रेकफास्ट करके अभी थोड़ा सा वार्म अप करके एंड देन फिर निकलते हैं. चलिए फिर आपको ब्रेकफास्ट करके मैं मिलता हूँ. बाकी की बातचीत सफ़र पर करेंगे. तो या ब्रेकफास्ट इज डन. एक हाफ एन आवर ले लिया हम लोगों ने टाइम. सो अभी थोड़ा लेट हो गया. मीन्स गो अप आधा घंटा मैंने कवर कर चुका था. सो नाउ इट्स लाइक एज पर द गूगल. तो यस बैंगलोर इज 467. सो बट हमें बैंगलोर से और थोड़ा आगे जाना है. दैट इज लाइक अभी और किलोमीटर बाकी है 652. सो ब्रेकफास्ट हो गया है अभी. हमने बस लाइट फूड खाया, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाया बिकॉज ऑफ लाइक ज़्यादा खाने से लाइक क्या होता है, एक तो नींद आने के चांसेस ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा वो एक है. तो कम खाओ, लाइट खाने से बेटर है मेरा ऐसा सोचना है कि लाइक ज़्यादा ट्रैवलिंग में खाना नहीं खाना चाहिए. और ऊपर से वो लाइक पेट भी थोड़ा सा कैसे हो जाता, थोड़ा ब्लोटिंग यानी थोड़ा उल्टी जैसा आने के चांसेस होता है. सो मेरा तो यही रहता है कि लाइक ट्रैवल में थोड़ा कम खाओ और दूसरे पैसे भी सेव होते हैं. दैट इज़ अ जोक. सो यस, सो अभी और मोस्टली लाइक 12 घंटा और बाकी है, यानी हम लोगों ने 2 आवर्स कंप्लीट किया है. सो यस एज पर द गूगल लाइक वो बोल रहा है कि 7:59 को आप रीच हो जाओगे. देखते हैं बिकॉज हम लोगों को अभी ब्रेकफास्ट सॉरी लंच के लिए भी रुकना है एंड देन बीच में डिनर के लिए होटल पे जाके करेंगे या फिर बीच में रास्ते में कर लेंगे. सो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. सो यस, सो चलो आगे का रास्ता हम लोग. कई सफ़र में इतना मज़ा आ रहा था हम लोगों को. मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे. बस ऐसा खुला रोड और जाते समय पे इतना अच्छा लग रहा था. और मीन्स कह नहीं सकता जिस तरीके से क्लीन रोड है. सो ये रोड हम लोग अभी करनूल रोड की तरफ जा रहे थे एंड उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं अभी. ये देखिए भाई, यहाँ पे इंडियन जुगाड़ बोलते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सबको यही बोलूँगा, क्योंकि नहीं पता कहीं सामान वगैरह निकल जाए या स्कूटी निकल जाए या पीछे कुछ हो जाए, किसी को कुछ भी हो सकता है. बट उस बंदे ने गाड़ी तो बंद अच्छे से बांध करके गया बट एक रस्सी थोड़ी सी खुल गई ना भाई, पूछो मत, किसी को कुछ भी हो सकता है. सो बस यही बोलूँगा कि लाइक भाई देख के और सेफ जाए. और यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रक पलट गया बुरी तरीके से सामान वगैरह. ये हाईवेज में अक्सर होता है ड्राइवर्स ट्रक ड्राइवर के साथ. बस मैं ये दुआ करूँगा कि लाइक किसी भी ट्रक ड्राइवर को कुछ भी ना हुआ हो, बस वो सेफ हो. बस मेरी यही दुआ रहेगी कि लाइक किसी को कुछ भी ना हो, बस सेफ रहे. और चले अभी फ्यूल ख़त्म हो गया, पहले फ्यूल डला देते हैं.
और बस आपसे आगे की बातचीत करेंगे। सो होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इस लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मेरे। आगे बात करते हैं, यही प्रॉब्लम है इस गाड़ी का, लाइक जब भी फ्यूल टैंक जब फुल भर देते हैं ना तुरंत नहीं बताता है। ठीक है कोई नहीं, देखते हैं कितनी देर के बाद अपडेट देगा, सो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। देखो अभी हो चुका है, दो ही डंडा दिखा रहा है, यानी 2 से 3 मिनट के बाद फुल टैंक बताएगा, लेट इन्फॉर्मेशन देता है। थोड़ा सा वही मैं बोला था कि लाइक इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा क्लस्टर प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ ही नहीं है, काफ़ी इंटरसेप्टर एंड जीटीस के साथ ही यही है। यानी रॉयल एनफील्ड के तकरीबन गाड़ी में क्लासिक वगैरह में तो फ्यूल इंडिकेशन नहीं है, बट अभी जो गाड़ी आ रहा है उसमें तो फ्यूल इंडिकेशन दिया है। आई थिंक उनमें प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, बट इसमें तो भाई है, मैंने प्रॉपर तुम्हें बताएगा नहीं, थोड़ा सा वही एक लोचा है। लेट्स सी, देखते हैं कैसा है। देखो अभी तक नहीं बताया, आपके सामने बताऊंगा। सो अभी तो फुल टैंक मैंने कर दिया है, अभी देन यहाँ से हमें जाना है मोर 556 किलोमीटर। सो 550 एंड देन ये नेशनल हाईवे 44 है रोड नंबर, सो 19 किलोमीटर इस पे चलना है करके एज अ इसमें अपडेट आ रहा है। चिंदोड़ा का देव, वाह, मेरी वाइफ ना उसको काओ को बोल रही चिंदोड़ा। नाइस नाइस, ये पूरा करनोल है एंड फुल ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। ऊपर एक्चुअली हाईवे का रिपेयर चल रहा है, नेशनल हाईवे जो ऊपर है बन रहा है, सो यहाँ पे माइट भी मेरे ख्याल से कमिंग 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग कर रहे होंगे, बट अभी लाइक ट्रैफिक है भाई, इतना खराब रोड है। गुटी, ऊटी सुना है बट गुटी आई डोंट नो, आई थिंक कोई प्लेस है गुटी, अनंतपुर, बैंग। मैं अब थोड़ा अपना खड़ने का पोजीशन दे दूंगा। अरे हाय हाय, आ गए मजे भाई, बाइक पे खड़ा हो गया, वाह भाई मजा ही आ रहा है, थोड़ा सुकून सा पा रहा है। ओए हिला मत, हिल रहा हूँ, बहुत ऐसे दिख रहा है गाड़ी का टायर, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। नीचे से व्यू, हो गया मजे बहुत। अभी 518 किलोमीटर एंड 9:58 मिनट्स बाकी है, सॉरी 9 hours 58 मिनट्स बाकी है। उतर ही नहीं पा रहे आप, सो एक छोटा सा ब्रेक लिया अभी हम लोगों ने, यानी हम लोगों ने अभी कितना है ऋषु, हमने 144 को रोका था राइट, 144 के बाद अभी 352, यानी ऑलमोस्ट हम लोगों ने 210 किलोमीटर्स के बाद रोका ब्रेक, 210 किलोमीटर चलाया उसके बाद हमने ब्रेक लिया है। सो अभी एक चाय ब्रेक ले लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे का जर्नी लेंगे। चलो फिर आगे का बात करते हैं आपसे, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। तेलुगु में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा है ये जगह, सो लेट्स सी चाय कैसा है, कुछ खाने के लिए मिलेगा तो कुछ खा पी लेंगे। चलो चलो उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी सडन हम लोग आते ही थोड़ा सा ड्रेस वेस वगैरह निकाल दिए एंड वो देखो मैडम चाय पी रही है अभी, एंड यहाँ पे मैंने पूरा जैकेट वैकेट निकाल के गाड़ी को उधर रख दिया, क्योंकि वो अब चाय वाय पियेंगे उसके बाद री आगे जाऊँ।
सो हम लोग अभी क्या कहते हैं और 329 किलोमीटर बाकी है. सो अभी हम लोग बैंगलोर पहुंचने के लिए अराउंड एक 160 किलोमीटर है. बट वो जाने से पहले मेरे को यहाँ पे देखो किया का एक मेन क्या कहते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है सो वो दिखा. सो वही देख रहा हूँ मैं यहाँ पे. और पूरा मस्त इतना बड़ा है कि पूछो मत, यहाँ से एंट्रेंस है एंड स्टिल यहाँ से लेकर के वहाँ तक फुल बहुत बड़ा है. और देखो किया का लोगों कितना बड़ा है. सो मेरे हिसाब से लाइक मुझे उतना प्रॉपर नहीं पता. सो आई थिंक चेन्नई साइड में एक ब्रांच है जो कि वहाँ मैन्युफैक्चर होता है और एक किया का सबसे बड़ा एक ये है जो मैं भी देख रहा हूँ. सो मैंने सोचा अभी रास्ते में जा रहा था तो आप लोगों को भी दिखा दूँ. एंड मेरे एक भैया हैं अशोक भैया जिनने अभी रिसेंटली किया का कार खरीदा है तो उनको ये दिखाऊंगा कि देखो आपका शोरूम का मैन्युफैक्चर के पास हम आज जा करके आए हैं बोल के. सो ये था किया का प्राइस. सो अभी हम लोगों को 329 किलोमीटर कवर करना है 6 घंटे एंड गूगल के हिसाब से बता रहा है कि हम 8:13 को पहुंच जाएंगे. देखते हैं कब तक पहुंचेंगे. बट अभी एक और ब्रेक लेते हैं. अभी टाइम भी हो चुका है अराउंड 1:20 तो कुछ खाने के लिए पहले पेट पूजा हो जाए तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं. चलो फिर आगे मिलता हूँ आपसे. हाँ देखते देखते पता नहीं ये कौन सा एक क्या कहते हैं गूगल मैप लेकर के आ गए हम लोगों को गांव की तरफ. सो अभी एक बंदे से पूछा भाई ये बैंगलोर की तरफ ही जाता है ना, तो उस बंदे ने तो बोला हाँ भाई बैंगलोर की तरफ जाता है. सो एज पर द गूगल इट्स सेइंग लाइक 6.3 किलोमीटर इस रोड पे चलना है मुझे. स्टे ऑन हिंदपुर, ये जगह का नाम हिंदपुर है. सो हिंदपुर से आएगा सीधा बैंगलोर रोड आता है जो कि लाइक एक 6.1 किलोमीटर के बाद है. अब देख रहा हूँ बैंकर इतना हाईवे जैसा रोड आया है और अचानक से सडनली ऐसा आया है. ठीक है एक्चुअली अभी एक फ्यूल भी भरा लिया हम लोगों ने गाड़ी का, फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था. सो अभी बस कहीं खाने के लिए कहीं रुकते हैं तो अब डायरेक्टली मैं खाने के पास ही आप लोगों को मिलता हूँ तो उसके बाद वहाँ पर जा कर के आपसे बात करता हूँ. हम आगे का बता नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ. इतना बुरा हालत था पूछो मत. हम लोग मैंने वीडियो पूरे तरीके से नहीं शॉट किया बिकॉज ऑफ गांव में इतने उबड़ घाबड़ रोड थे. क्या था बीच बीच में हमें हाईवे मिल रहा था, हम जा रहे थे. वेरी बैड डिसीजन गूगल मैप पे ब्लाइंडली फॉलो करके जाना. मेरा सजेशन ये रहेगा कि लाइक किसी से भी आप पूछ लेना आजू बाजू या गांव में किसी से कि भाई हमें हाईवे कैसे जाना है, किधर क्या जाना है. गूगल मैप पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं था तो उस वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. सो लाइक बट स्टिल कैसे तैसे हम लोग बस रास्ता ढूंढते ढूंढते निकल रहे थे. बस आप आगे का वीडियो देखिए. बस हम एक जगह रुक के और फिर आपसे बात करते हैं आगे. अभी कितना 230 किलोमीटर बाकी है पहुंचने के लिए. अभी हम लोग ने बीच में रोका है. मैं बीचों बताऊंगा भाई कहां कहां हम गांव में घुस गए थे. कैसा था आपका गांव का एक्सपीरियंस? बहुत दिमाग खराब हुआ. अभी गन्ने का जूस पीने के लिए आए हैं हम. बट यहां पे देखो क्या टेक्नोलॉजी लगा है भाई. सीरियसली ऊपर एक इंजन है, इंजन जैसा रखा है एंड नीचे देखो जूस बन रहा है. ये मुझे बहुत पसंद आया. अभी तक का गाड़ी सब कुछ ठीक है. हाँ नहीं नहीं यहाँ से अभी हाईवे ही है, तुम्हें टेंशन जरूर. यहाँ से अभी हाईवे ही है, टेंशन नहीं है, गांव का टेंशन नहीं है अभी. You serious? माँ अभी बीच में ऐसा गांव लेके आया था. सीरियसली इट्स लाइक हम लोग सोचे कि गूगल मैप पागल कर दिया बट करेक्ट ही लेके जा रहा है. अभी तक हमने लंच तक नहीं किया और टाइम कितना हो रहा है ऋषु? अभी 4 बज रहा है अभी. सीरियसली इज दैट सीरियसली 4 या 4:05 हो रहा है अभी. इतना अंधेरा है. फिर गूगल मैप के ऊपर से हम लोग भरोसा करके गए एंड देन अगेन फिर एक सुनसान रास्ते पे लेकर आया है. कुछ कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट्स थे और कुछ कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थे. एंड मुझे इस बात का डर था कि लाइक अंधेरा है पूरा का पूरा, इफ गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है लाइक पंचर वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो उसको माइंड में रखा था. एंड मेरे साथ मेरी वाइफ भी हैं तो उस बात का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये गांव में कुछ भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर देन आगे का बात कैसा.
और एक बात कहूँगा ज़रूर, लाइक जंगल दिखने में इतना ब्यूटीफुल रखता है, बट रात के समय ना उस जंगल में अकेले रहो ना भाई, फट जाती है बुरी तरह से। वैसा मेरा हालत था, सीरियसली एकदम फट गया था मेरा, बिकॉज आजू बाजू एक पर्सन भी नहीं था। बट थैंक्स टू द लाइक बीच बीच में कोई बंदे मिल रहे थे, एंड ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया था कि उनकी रहमत हमारे ऊपर थी, सही सलामत हम अपनी जगह और डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। सो यह मैं वीडियो बस यहाँ तक ही रखूँगा, और दूसरा पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा।